गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? सभी मैम, वी आर वी आर फाइन। फाइन मैम, व्हाट्स अबाउट यू मैम? वी आर फाइन, व्हाट्स अबाउट आई एम यू? आल्सो फाइन बेटा। आज बेटा बहुत ज्यादा गर्मी है, सुबह ही देखो आप, इतनी ज्यादा गर्मी है। तो अपने घर में रहिए बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी है। बाहर निकलोगे तो एक तो कोरोना का तो वैसे ही है, और एक ऊपर से क्या है, आज गर्मी इतनी ज्यादा है। सुबह ही अभी देखो 8:30 ही हुए हैं, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है अभी सुबह सुबह। ठीक है, सभी बच्चे अपने घर में रहिए। बोलिए दुष्यंत। मैम इतनी नहीं है मैम, हमारे तो यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश। बेटा यहाँ रेवाड़ी में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मैं 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते, पसीने इतने ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, मैम हमारे बादल तो है पर गर्मी भी है बहुत मैम, ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ पर तो ठंडी हवा चल रही है। हो रही है बहुत बेटा। हाँ लग तो रहा है आएगी बारिश। चलिए बेटा कल वाला काम अपना कंटिन्यू करते हैं। कल मैं आपको जो बता रही थी, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के अंदर। मैम 23 से स्कूल खुल रहे हैं 6th और 8th के। हाँ बेटा, ये थोड़ा सा मैसेज अभी आया है कि 16 जुलाई से तो 9 से +2 और 23 से 6 to 8, ऐसा सुनने में आया है। अभी देखो क्या होता है। अभी तो आप तो अपना रेडी रहिए, अपनी यूनिफॉर्म देखिए, अपने शूज वगैरह, क्योंकि कई महीने हो जाते हैं ना, तो यूनिफॉर्म शूज और ये सब छोटे छोटे हो जाते हैं। किसी को अपनी पैंट, गर्ल्स को अपनी स्कर्ट खुलवानी हो तो अपने पेरेंट्स को दिखा दो और अपने उसको ठीक कर लो यूनिफॉर्म को। कभी भी मैसेज आ सकते हैं बेटा स्कूल के लिए। ओके देखिए यस मैम, बेटा, अभी कल जो मैं बता रही थी आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में, जैसे कि मैंने कल आपको एक ही उदाहरण दोनों समास में बताए थे, ऐसे ही उसी उदाहरण से मैं एक आपका और क्लियर कर दूं। एक है आपका पंचानन, ठीक है? तो इसमें हमारे दो पद क्या बनेंगे, पंच और आनन, और ये इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पांच आनन का समूह, या हम एक विग्रह करेंगे इसका, पांच आनंद है जिसकी। अभी बेटा ये देखिए, हमारी हिंदी में क्या होता है कि किसी एक ही शब्द के हम दो तरह से विग्रह कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास है, उसमें मिलते जुलते ये जो हमारा समस्त पद होता है, जो सामासिक पद होता है, वो एक एक होता है। तो इसके हम समास विग्रह के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। देखो बेटा, कोई हमारे विदेश से कोई यहाँ पर आया हो तो उसको हमने समास पढ़ा दिया हो, तो उसको हमारे भगवानों के बारे में ना पता हो, जैसे मैंने कल आपको पीताम्बर का एग्जाम्पल दिया था, लंबोदर का एग्जाम्पल दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे ना, तो हो सकता है किसी को हमारे जो भगवान है, हमारी धार्मिक बातें ना पता हो, किसी को हमारे भगवानों के बारे में ना पता हो, तो वो उसको हमने समास सिखा दिए, तो उसके माइंड में सबसे पहले इसका जो विग्रह है वो क्या आएगा, पांच आनंद का समूह। ठीक है, तो आनंद क्या होते हैं बताइए, कल भी मैंने बताया था दश आनंद का बताया, जब आनंद क्या होते हैं सर मुख। हाँ आनंद मुख, ठीक है? तो यहाँ पर पांच आनंद का समूह। देखो बेटा, जहां पर भी विग्रह में आपको समूह शब्द दिखाई दे, वहां पर आपका कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में यही होता है कि विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान की झलक दिखाई देती है। जैसे अभी मैं आपको ये बता दूं, पंच प्लस आनंद, ठीक है? तो ये पंच क्या है, संख्या है, ठीक है? और आनंद क्या है, हमारा एक संज्ञा शब्द है। तो हमारा ये जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, तो ये क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये विशेषण और ये
विशेष्य, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। आप इसके जो ये बना रहे हो विशेषण विशेष्य करके, आप पांच आनंद का समूह कर रहे हो तो करणधारय समास, जहां पर भी आपको विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान होता है बेटा जिस किसी की समानता किसी चीज से की जाए वहां पर उपमेय उपमान होता है, किसी चीज के जैसा किसी को बता दिया जाए। जैसे कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था चरण कमल, ठीक है, चंद्रमुख, चरण कमल, सूरजमुखी, इस तरह से जो होते हैं ना किसी के समान, समानता दिखाई गई हो वहां पे उपमेय उपमान होता है। उपमेय उपमान का मतलब होता है जिस चीज की तुलना जिसके साथ की जाए, जैसे विशेष्य विशेषण विशेष्य होता है ऐसे ही उपमेय उपमान होता है, ठीक है। आप किसी के भी मन में जो विचार आ रहे हैं वो उन विचारों को क्या आप रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना बेटा। हम जो पंचानन जो शब्द दिया हुआ है उसका विग्रह दोनों तरह से कर सकते हैं। हमारे मन के विचारों को कोई नहीं रोक सकता है। मेरे मन में आ रहा है मैं इसका विग्रह करूं कि पांच आनन है जिसके, अर्थात बताओ किस कौन से भगवान के हैं पांच आनन है जिसके, अर्थात किस भगवान को बोलते बेटा? नो बेटा, ब्रह्मा, ब्रह्मदेव, अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मा, ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम, यस मैम। अभी देखिए ऐसे एक ही एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। देखो बेटा, आप मैंने आप ये कहोगे कि द्विगु समास में आपने बताया था कि पहला जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, लेकिन संख्यावाची क्या होता है कि संख्यावाची हो और वो क्या उसमें संख्यावाची से आप विशेषण विशेष्य अगर इसमें आ रहा है, जैसे अभी एक और मैं बता दूं, जैसे होता है ये दुर्गा का आया था, जैसे हम लिखते हैं नवग्रह है, नवग्रह है तो इसमें नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह। अब इसका जो विग्रह है, इसका जो विग्रह है वो उसका नहीं हो सकता बहुरी समास का, तो नौ ग्रहों का समूह यही इसका विग्रह होगा, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा? द्विगु समास, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। आप सीधी सीधी एक बात ध्यान में रखिए कि आप इनको विग्रह उसको विग्रह करके देखोगे, आप जो भी विग्रह करोगे वो ठीक होगा। कंपटीशन एग्जाम की बात अलग होती है बेटा, कोई एक शब्द आ गया उसके नीचे ऑप्शन आ गई, बताइए इस समस्त पद में कौन सा समास है, तो अगर इस तरह का कोई शब्द आता है तो आपको वहां पर एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो बहुव्रीहि मिलेगा या करणधारय मिलेगा, ठीक है बेटा। ऐसे जैसे संख्यावाची में आ गया तो आपको या तो बहुव्रीहि मिलेगा या द्विगु मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं चैप्टर की। मैम अगर बहुव्रीहि द्विगु मिलेगा तो मैम करणधारय में भी संख्या होती है? नहीं बेटा, करणधारय में नहीं होती। मैं कह रही हूँ जहाँ पर संख्या, देखो एक तो आपको ये मिलेगा या तो ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा जो करणधारय का हो और बहुव्रीहि का हो, या आपको एक ऐसा समस्त पद आएगा जो बहुव्रीहि हो और द्विगु हो, क्योंकि बहुव्रीहि और द्विगु में भी आपका क्या आता है? पूर्व पद संख्यावाची कई बार आ जाता है, आता है ना, आता ही है। दशानन आ गया, त्रिनेत्र हो गया, जो हमारे ये भगवानों के नाम है पिता, जैसे कि ये नीलकंठ हो गया, ये किसमें आता है? करमधारे और बहुव्रीहि में। करमधारे करमधारे में तो समूह बेटा, करमधारे में समूह। इधर सुनिए बेटा, जो भी आपको समस्त पद दिया हुआ है उसका आप जिस तरह से भी विग्रह करोगे ना, उस विग्रह के आधार पर ही आप समास का नाम बताइए, और मैंने आपको दोनों तीनों विग्रह बता दिए हैं किस तरह किया जाता है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज, देखिए इसकी। पेज नंबर 59, बैक क्वेश्चन, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहले तो आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, वो मैं आपको मंडे को करवाऊंगी, अभी आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। वन गमन समस्त पद में सही समास है,
वन गमन, गमन का मतलब होता है जाना, वन को जाना। अब बताइए, मैंने आपको विग्रह करके बता दिया, वन गमन, वन को जाने वाला, ये कौन सा समास है बताइए? तत्पुरुष समास, वेरी गुड। मैंने आपको बताया था ना, जहां पर भी आपको विग्रह में आपको कारक चिन्ह दिखाई दे वहां पर क्या होता है हमारा? तत्पुरुष समास होता है। और जब हम इनका समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का को हटाकर उसको समस्त पद बना देते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आ जाएगा आपका तत्पुरुष समास। सेकंड देखिए बेटा, आमरण। मैम फर्स्ट का क्या आएगा? आमरण फर्स्ट का बेटा तत्पुरुष। मैम आमरण का क्या मतलब होता है? आमरण मरने तक, आमरण मरने तक। देखो बेटा, एक जो आपका अव्यभाव समास था उसकी एक और मोटी सी पहचान है कि उसमें जो पूर्व पद होता है वो हमारा उपसर्ग होता है। जो पूर्व पद होता है वो उपसर्ग होता है, और विग्रह करने पर उत्तर पद जो है हमारा पूर्व पद बन जाता है। आमरण, इसका हम विग्रह करेंगे तो मरने तक, तो ये हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, सात दिनों का समूह का सही समस्त पद है। सात दिनों का समूह क्या होता है? सप्ताह, सप्ताह। इसका हमने समस्त पद बताना था, क्या बनेगा? रितेश माइक ऑफ करो बेटा। मैम सेकंड का क्या है? सप्ताह, थर्ड का सप्ताह। मैम सेकंड का अव्ययी भाव। अगला देखिए, फोर्थ, नीला है जो कंठ का सही समस्त पद है। नीला है जो कंठ, नीलकंठ फोर्थ का। नगर में वास करने वाला का सही समस्त पद है। नागरिक गै वाला। देखो, है और गै को पढ़ के देखो, नागरिक नहीं होता, नागरिक। थर्ड वाला ठीक आएगा इसमें, नागरिक। सिक्स देखिए, पंचवटी समस्त पद में सही समास है। अब देखो बेटा, इसमें दोनों दे रखे हैं, पंचवटी, पांच वटों का समूह। इसका बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता, पंचवटी किसी कर्मधारय। हां जी, ये क्या आ जाएगा आपका? नो बेटा, द्विगु, द्विगु आ जाएगा ना बेटा, पंचवटी, पांच वटों का समूह। मैम वट क्या होता है? वट बेटा एक ट्री का नाम है, वृक्ष है, एक वट वृक्ष, नहीं सुना आपने? नो मैम। वट एक वृक्ष होता है बेटा, वट। आगे देखिए बेटा, मैम हाँ जी, फर्स्ट और सेकंड का क्या है? सेकंड में बेटा अव्ययी भाव। ओके मैम, लास्ट का द्विगु है। हाँ जी, लास्ट का द्विगु। मैम सेकंड में क्या आएगा? क्या प्रॉब्लम हो रही है? द्विगु में क्या आएगा? मेरे आपको आवाज नहीं आ रही, और बच्चे पूछ रहे, मैं बार बार बता रही हूँ, सेकंड में अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से निम्नलिखित वाक्यों में आए शब्दों को समस्त पद में बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। जो हमारा रेड कलर से दिया हुआ है हमने उसका समस्त पद बनाना है, जैसे कि लोक में प्रिय है, तो हो जाएगा भगवत गीता
लोकप्रिय है, लोक में हट जाएगा और उसका हम समस्त पद बना देंगे लोकप्रिय। भगवत गीता लोकप्रिय है, सेंटेंस लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, रिश्वतखोर लोगों को देश से निकाला जाना चाहिए। मैम देश निकाला जाना चाहिए, देश से निकाला, इसमें देश निकाला हो जाएगा बेटा, इसका समस्त पद बनेगा देश निकाला। अभी इसमें इसका सेंटेंस जब बनाओगे तो जाना शब्द मत लिखना बेटा। रिश्वतखोर लोगों को देश निकाला देना चाहिए, देश निकाला, हाँ देश निकाला, देश निकाल, निकाल, निकाल नहीं हो सकता, नहीं बेटा देश निकाला ही होता है। देश निकाला देना चाहिए, हाँ देना नहीं भी लिखोगे, अगर चाहिए चाहिए लिख दोगे तो भी सेंटेंस ठीक है। रिश्वतखोर लोगों को देश निकाला चाहिए। अगला देखिए थर्ड बेटा, मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। शक्ति के अनुसार हो जाएगा, अनुसार जो है यथा में बदल देते बेटा, यथानुसार, सॉरी यथाशक्ति, क्या हो जाएगा ऐसे, यथा शक्ति। यथाशक्ति अगला देखिए बेटा, अच्छे कर्म करने से व धर्म के अनुसार कार्य करने से ही मनुष्य पाप से मुक्त हो सकता है, तो ये हो जाएगा धर्म के अनुसार। अच्छा बेटा, हाँ सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी भूल गई बेटा, फोर्थ, मुझे जो जेब के लिए खर्च मिलता था उससे मैंने हाथ के लिए घड़ी खरीद ली। मैम हस्त घड़ी, क्या हो जाएगा, घड़ी, हाथ घड़ी, 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 हाथ घड़ी मत लिखना बेटा, हाथ घड़ी। मैम थर्ड में यथाशक्ति के बाद ही कार्य करना चाहिए लिख दे डायरेक्ट। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ही भी आएगा उसमें। मैम एक बार सेकंड थर्ड बताना, लिखा हुआ है बोर्ड पे यथाशक्ति। मैं आपकी छोटी फोटो आ रही है, धर्म के अनुसार हो जाएगा, धर्मानुसार। अगला आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार। किसी के थे इसका लोकप्रिय, किसी का सेकंड था देश निकाला, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये बैक के हैं, बैक क्वेश्चन के, सॉरी सै क्वेश्चन के। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। अगला देखिए बेटा, खालिस्तान देखिए,
दो या दो से अधिक पदों के मेल को डैश कहते हैं, समास। फर्स्ट फिलअप में आएगा बेटा समास। मैम समास। अगला देखिए, समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद तथा बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जो आपका सेकंड फिलअप है, सेकंड फिलअप के फर्स्ट में आएगा पूर्व पद और सेकंड फिलअप के सेकंड पार्ट में आएगा उत्तर पद। नेक्स्ट देखिए थर्ड, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। सेकंड में है बेटा, मैम सेकंड के सेकंड में क्या आएगा? उत्तर पद। थर्ड फिलअप में लिखो संख्यावाचक। फोर्थ फिलअप देखिए, डैश समास में दोनों पद विशेषण विशेष्य होते हैं। कर्मधारय में होते विशेषण कर्मधारय, कर्मधारय। मैम सेकंड में क्या आएगा? कौन से सेकंड में बेटा? मैम व्यय के सेकंड में। अव्ययी भाव। अभी देखिए बेटा फिफ्थ फिलअप, इसमें आएगा बहुव्रीही, बहुव्रीही। अगला देखे सिक्स्थ बेटा, जय पराजय ऊपर नीचे शब्द डैश शब्दों के युग्म है। किसके जोड़े हैं बेटा ये? आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं ये शब्द? युग्म होता है जोड़ा। किसका जोड़ा है ये शब्द जय पराजय ऊपर नीचे? विलोम शब्द का। विलोम शब्दों के युग्म है। सिक्स्थ फिलअप में विलोम। मैम फिफ्थ में क्या है? बहुव्रीही। मैम फिलअप की फिफ्थ में क्या है? बहुव्रीही। मैम मिल गया बस। चले नेक्स्ट पे। यस मैम। यहाँ तक हो गया, फिलअप तक हो गए सभी के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, बेटा अगला देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। विग्रह करना है हमने और समास का नाम बताना है। माखन चोर, माखन चुराने वाला। श्री कृष्ण। माखन चुराने वाला विग्रह कर लिया, समास का नाम लिखोगे बहुव्रीही। अगला दशानन, आप इसका विग्रह जिस भी तरह से करोगे, जैसे आप लिखोगे दस आनन का समूह लिखोगे तो आप लिखो इसमें द्विगु समास,
अगर आप इसका विग्रह करते हो, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो लिखो बहुव्रीही। दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट जो होता है वो है 10 आनन है जिसके अर्थात दशानन बहुव्रीही समास। गलत हम उसको भी नहीं कर सकते हैं, 10 आनन का समूह द्विगु, गलत इसको भी नहीं कर सकते हैं बेटा। कोई भी लिख सकते हो आप इनमें से। कल बताया था ना बोर्ड पे करके ये। यस मैम। का फर्स्ट अगला देखिए, ताना भाषा अधिकार, भाषा पर अधिकार तत्पुरुष समास। जीवन साथी, जीवन का साथी तत्पुरुष समास। मैम सेकंड में मैम सेकंड में तरह धारे नहीं आ सकता, कर्मधारय नहीं आएगा बेटा। मैम थर्ड वाले में मैम मैम इसमें मैम एक बार माखन चोर को बता दो। माखन चोर का माखन को चुराने वाला अर्थात कृष्ण बहुव्रीही समास। मैम थर्ड का फिर से बता दो। भाषा अधिकार, भाषा पर अधिकार तत्पुरुष समास। जीवन साथी, जीवन का साथी तत्पुरुष समास। पथ भ्रष्ट, पथ से ब्रेस्ट तत्पुरुष समास। अगला देखिए बेटा, अगले पेज पे देखिए क्वेश्चन, टाइम होने वाला है, ये करवा दूं, 5 बचे हैं। निम्नलिखित समास विग्रह को सामासिक शब्दों में बदलिए और समास का नाम भी लिखिए। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री के लिए हट जाएगा बेटा, और हवन सामग्री समस्त पद बन जाएगा, और है ये तत्पुरुष समास। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें, नरों में सिंह के समान, नरो सिंह नर सिंह समान बता दिया। इसमें उपमेय उपमान है तो ये हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट है चार राहों का समूह चौराहा। द्विगु देवताओं के लिए बलि, देव बलि। मैम एक बार ये आपके सारे और लिख देना, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष तप ही धन है जिसका, तपोधन कर्मधारय।
यस मैम हो गया। बेटा ये एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है, ठीक है, अच्छे से लर्न करना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मंडे को पूछ लेना मेरे से, मंडे को हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नाउ योर टाइम इज ओवर, यू कैन लीव द क्लास। बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय फ्रॉम गौरव चौधरी। मैम प्लीज साइड। बाय मैम। रितिक, रितिक बेटा, रितिक मेरी आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन करिए। रितिक माइक ऑन करो बेटा। वंस वंस ऋतिक और वंश दोनों को सुनाई नहीं दे रहा, माइक ऑन कीजिए बेटा। ऋतिक मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसका कांटेक्ट नंबर नहीं है ऋतिक का? मैम अभी उसमें देखूंगी, टीचमेंट पे इसने एनरोल कर रखा होगा, क्योंकि तब तक ऋतिक बेटा आवाज नहीं आ रही। नहीं करूं, फोन छोड़ के चला गया ये। अब तक आवाज आ रही होगी तो ये हटा चुके हो तो सुन भी लेते और एग्जिट भी कर लेते। यस मैम मैं फोन को साइड में छोड़ दिया। ओके मैम। बोर्ड की बोर्ड डिम आ रहा है अब आपका, दो तीन दिन से इंक लाइट हो गई है क्या? नहीं मैम, इसमें मैम जो फ्रंट कैमरा है ना उसमें थोड़ी सी ना धूल सी चली गई है तो उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। अब इसमें बहुत लाइट शो हो रहा है। करवाऊंगी मैम इसको केयर पे लेके। ठीक है चलो करवा लो इसको। ऋतिक के पास मैं कॉल करूँ फिर एग्जिट कर लो ना, ठीक है? ओके मैम। ओके।